नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभ ध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमद गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। कल तक याद तक था। अभी जो नए दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि मैं पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करवाएं। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो शिव पुराण के पाठ में है आज सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को कि नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूं बोले, देव देव महादेव दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उलट लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्ण तथा आप गौर वर्ण है, उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्ण है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रोत विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझे आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला यह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदनंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उसके प्रतीत हैं, अतीत हैं, प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय रूप स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप भी सगुण ब्रह्म और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके ही अंश हैं।
जैसा एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं तथा उस शरीर से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लिप स्वयं ही अपना श्राम पुराण कुटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्म है, वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी जो यजमान थे परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकी की गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया, अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं। सुरश्रेष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए, मुझे आपके लिए कुछ भी आदेय नहीं है। मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए। विपुल पुण्य की बुद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा वंध्या कानी अथवा रूपहीन हो वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी, इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न चित्त से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थिर रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश पर जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वृषभ ध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उस नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता मारीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी नहीं सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था तो भी वह बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं प्रमथ गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे।
वहां जाकर उन्होंने देवताओं मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पति दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनिया, पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग्य सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं और आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नए तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।